हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। बेसिक ऑपरेशन से मतलब क्या है मेरा, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ा जाता है, या किस तरह से उनको सबट्रैक्ट किया जाता है, या किसी एक कॉन्स्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है। आइए देखते हैं। पहले है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 2, 4, 6, 8, ठीक है दोस्तों। इसमें से अगर मैं देखूं, ये भी दो का मल्टीपल है, ये भी दो का मल्टीपल है, ये भी दो का मल्टीपल है, और ये भी दो का मल्टीपल है। इस समय में से मैं दो कॉमन ले सकता हूं। हाँ जी, दो कॉमन ले सकता हूं। दो कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, ठीक है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स में अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास एग्जांपल आ गया। मैं बोलूँ 2a निकाल लो, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2, 4, 6, 8। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स को किसी कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या उसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 4, 5, 6, 8, आप यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। मैं बोलूँ आपको -a फाइंड आउट करो, -a निकाल लो। -a कैसे निकालेंगे, सिंपली करना क्या है, इसके हर एलिमेंट को -a मल्टीप्लाई कर दो, -4, -5, -6, -7, ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। 3x3 होती तो यहाँ भी एलिमेंट आ जाते, माइनस माइनस आ जाता उनके आगे, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं, आगे देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ा जाता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, उन दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, 3, 4, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3, 4, 5, 6। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी निकाल लूँ, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, उनका एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है। तो एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही एडिशन होता है। जैसे यहाँ 1 है, ये 3 के साथ एडिशन होगा, 1+3, 2, 4 के साथ एडिशन होगा, और 3, 5 के साथ, और 4, 6 के साथ। तो एडिशन करके क्या है मेरे पास, 4, 6, 8 और 10, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया मेरा, a प्लस बी। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 5, 6, और बी मैट्रिक्स आ गई मेरे पास 1, 8, 9, 6, और मैं आपसे पूछूं इसका a प्लस बी निकालूं, कैसे करोगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है, मैं चेक करूंगा उनका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं और कॉलम क्या है, 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम है। हाँ जी, इनका ऑर्डर सेम है, नहीं इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो इन मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, नहीं इन मैट्रिक्स को मैं जोड़ नहीं सकता। इन मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता, मान लीजिए यहाँ पे और भी कुछ होता, 3, 5, ये भी होता। अब इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x3, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ, डायरेक्ट जोड़ लो यहाँ पे, ये इसके साथ 2, 8 और 2, 10, 5 और 3, 8, 9 और 3, 12, 6 और 3, 10, 6 और 5, 11, ठीक है दोस्तों। और जो एडिशन करके आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, 2x3 ही आएगा। आई होप आपको समझ आएगा दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। सेम जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है, ऐसे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है। उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दो मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, 3 मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, यानी कि सभी मैट्रिक्स जिनका डिफरेंस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 3, 8, 9, ठीक है दोस्तों, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3,
फाइव सिक्स, मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो कैसे करेंगे ए माइनस बी? हाँ जी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करना ना, ए वाले एलिमेंट पहले और बी वाले पीछे, वन माइनस टू, ठीक है दोस्तों, थ्री माइनस थ्री, एट माइनस फाइव और नाइन माइनस के सिक्स। इसको सोल्व किया, माइनस वन ये जीरो आ गया, ये थ्री आ गया और ये थ्री आ गया, टू क्रॉस टू, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा ए माइनस के बी, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू टू माइनस वन फोर टू, ठीक है दोस्तों, और बी आ गया वन टू माइनस फोर और सिक्स। आपसे पूछ लिया जाए थ्री ए प्लस फोर बी, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो चार ऑप्शन तो कौन सा सही होगा, आइए देखते हैं। तो पहले करना क्या, इसको इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाई स्टेप करेंगे। यानी कि पहले ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इस मैट्रिक्स को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है, तीन दूनी छः माइनस तीन, यहाँ भी चार थी बारह और तीन दूनी छः, ये क्या आ गया मेरे पास थ्री है। हाँ जी, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, फोर बी, यानी कि इस मैट्रिक्स को फोर से मल्टीप्लाई कर दो, फोर एट माइनस के सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, थ्री ए प्लस फोर बी, इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है, थ्री ए प्लस फोर बी, हाँ जी, इन दोनों को जोड़ दो, छः और चार दस, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस आठ में तीन गया पाँच, बारह में से सोलह गए माइनस के चार और चौबीस और छः तीस, ठीक है दोस्तों। तो ये थ्री ए प्लस फोर बी आ गया। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे मान लो फोर बी माइनस थ्री ए पूछ ले, तो क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, चार में से छः क्या क्या होता है, माइनस के दो, ठीक है दोस्तों, आठ में से ये गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आठ और तीन ग्यारह हो जाएगा, माइनस के सोलह और माइनस के बारह, बारह दो चौबीस, चौबीस और चार अट्ठाईस, ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी एट माइनस का, ठीक है दोस्तों, चौबीस में से छः क्या क्या होता है, अट्ठारह, तो ये फोर बी माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ए इज इक्वल टू डी आई ए जी टू फाइव नाइन, ठीक है दोस्तों, और बी आ गया डी आई ए जी वन टू थ्री, ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ लिया जाए फोर बी प्लस थ्री है, कैसे करेंगे, आइए पहले तो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। ये मैट्रिक्स का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी जो ए मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट हैं टू फाइव नाइन और सभी एलिमेंट क्या हैं उसके जीरो हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ये टू, ये ए वन वन, ये ए वन वन, ए टू टू, ए टू थ्री। मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट हमेशा ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि ए वन वन है, इसके अलावा सारे क्या जीरो, उसके बाद ए फाइव जीरो और जीरो जीरो नाइन, ठीक है दोस्तों। इसको भी मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री। उसके बाद करना क्या है, फोर बी, बी की किससे मल्टीप्लाई करनी है, फोर से, हाँ जी, चार जीरो 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 आठ जीरो, इसकी फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जीरो जीरो ट्वेल्व, ठीक है दोस्तों, थ्री क्रॉस थ्री, इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, थ्री से, थ्री ए कीजिए, तीन दूनी छः जीरो 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 पंद्रह जीरो 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 नौतीय सताईस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, थ्री ए प्लस फोर बी, जो जोड़ के वो क्या आएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे जोड़ के जो मैट्रिक्स आएगी वो मैं क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है और मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है
और मेरे पास कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, कह रहा है पहले ए को बी के साथ जोड़ो, फिर माइनस करो, फिर ये मेरे पास इजिक्वल टू जीरो है। अब ये जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड तभी किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर क्या हों, सेम हों। और जो मेरे पास आउटपुट आएगी, आउटपुट मतलब जो मेरे पास एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके आएगा, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए मैट्रिक्स क्या है, 3x2 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी 3x2 ऑर्डर की है, तो इससे ये साफ पता चल रहा है जो एक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन माइनस का लग रहा है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3x2 होगा। ठीक है दोस्तों, और जो आउटपुट आएगी, जो इसको इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3x2 का। ठीक है दोस्तों, ये तो कंडीशन होती है सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, ये एक्स उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 0 + x। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सभी एलिमेंट क्या हों, 0 0 हों। अब जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हों, उसमें एक्स मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो सेम एक्स मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिंपली क्या पता चला, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। सिंपली आप ए प्लस बी को जोड़ दो तो वो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें ये जोड़ा 1 - 1, 4 + 2, 3 + 0, 2 + 5, 2 + 3, 5 + 1, इसको जोड़ के क्या है मेरे पास, 0 6 3 7 5 6। ठीक है दोस्तों, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x3, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक्स मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स कैसे हुई, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को जोड़कर एक मेरे पास क्या आ रही है, मैट्रिक्स आ रही है। जोड़कर मैट्रिक्स आ रही है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या मैट्रिक्स ही होगी, तभी जोड़ के इन दोनों को मैट्रिक्स आया। अब अगर मैं पूछूं आपसे एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है या वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो नॉर्मल सी बात है इनका ऑर्डर भी 2x2 रहा होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स की एडिशन करके जो आउटपुट आती है उनका ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। अगर मैं इनको प्लस करूंगा, ठीक है दोस्तों, तो प्लस करूंगा तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 7 और 3 = 10, 0 2 और 5 = 8। ठीक है दोस्तों, ये वाई के साथ ये वाई कट गया तो 2x आ गया मेरे पास, 10 0 2 8। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रह गया और ये 1/2 नीचे चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, 10 0 2 8। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आ गया, 5 0 1 4, ये क्या आ गया मेरे पास, मैट्रिक्स x। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स वाई कैसे निकाल लेंगे, पहले प्लस किया था, अब दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो। ये माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर दो इन दोनों को, इसमें से ये क्या कर दो, माइनस, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काट दो, इसके साथ ये कट गया तो 2y क्या आ गया मेरे पास, 4 0 2 2, y ये इधर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे इधर ये नीचे आके 1/2 हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/2 0 2/2 और 2/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 0 1 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ऐसे पहले एक्स की वैल्यू निकल दी। आई होप आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशन प्लस या माइनस कैसे लगाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।